बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज अरसा दराज के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ख़ास तौर पे मैं आपको जो कहानियाँ सुना रहा था ना, कुरानी किस्से जिनका जिक्र कुरान में आया है, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे फरमाइश हुई थी कि डॉक्टर साहब हम बच्चों के लिए कोई कुरानी किस्से वो सुनाएं और ये बताएं कि कुरान करीम में किन किन जानवरों का कहाँ कहाँ जिक्र आया है। तो आज का मौजू भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और एक कहानी है, और वो जिक्र है मेंढक का। मेंढक जिसे फ्रॉग कहते हैं, फ्रॉग ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी सर्द खून का जानवर इसको कहते हैं। और ये जो होता है ना, ये खुश्की में भी रहता है और पानी में भी रहता है, यानी ये हाँ। लेकिन आपको दिलचस्प बात आज एक और भी बताऊंगा कि बहुत सारे मेंढक ऐसे भी हैं जो दरख्तों के ऊपर रहते हैं। अल्लाह अकबर, वही दरख्तों के ऊपर, हाँ बिल्कुल दरख्तों के ऊपर, और उनकी ऐसा रंग हो जाता है पत्तों की तरह, पत्ते नहीं चलने देते, और वहीं पे वो दरख्तों से नीचे नहीं उतरते, ऊपर ही रहते हैं, दरख्तों पे ही चढ़े रहते हैं, दरख्तों में ही वो अपने मुंह में उनमें से ना अलबत्ता झाग बड़ी निकलती है, और झाग से वो अपने वहीं छोटे छोटे घोंसले बना लेते हैं, उन्हीं में अंडे दे देते हैं, और अंडों से वो बच्चे निकालते हैं, और बच्चे 2 महीने में बड़े फ्रॉग बन जाते हैं। ये अजीब चीज़ है, और उनका दिल ही नहीं चाहता कि हम ज़मीन के ऊपर भी नीचे उतर के वहाँ से कुछ खाएं। उनको ऊपर से ही अल्लाह ताला ने ऐसा सिलसिला रखा हुआ है कि वहाँ से वो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं। ये इंसेक्टिवोरस, इसको जब जो भी जानवर कीड़े खाता हो ना, उसको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस, यानी कीड़े खाने वाला। तो ये कीड़े मकोड़े सारे ये खाते हैं, और इनकी अकसाम अगर दुनिया में देखी जाए तो इनकी कोई 1000 से ज़्यादा किस्में हैं मेंढक की, जो अभी तक रिकॉर्ड हुई हैं। तो ये अजीब मखलूक है, और इन ट्राते बहुत हैं, ट्राना समझें, इनका जो मेल होते हैं ना नर, वो बड़ी आवाज़ें निकालते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपका देहात में जाएं या ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर करीबी आपके कोई तालाब है जहाँ इर्द गिर्द इनके, तो अगर बारिश नहीं हो रही तो पानी, तो वो जनाब ऐसी शोर मचाते हैं, रात को पता चल जाता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शायद दुआएं कर रहे हैं कि ये अल्लाह बारिश बरसा दे। तो बारिश की इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, और जो दरख्तों पे चढ़े होते हैं ना, उनकी आवाज़ें भी बड़ी करख्त सी होती हैं, और इतने जब दरख्तों के ऊपर किसी जंगल में चले जाएं, जंगल में उनकी ट्राने की ऐसी आवाज़ आती है जैसे ऑर्केस्ट्रा हाउस है, ऑर्केस्ट्रा हाउस की बड़ी करख्त सी आवाज़ है, और इतना ज़्यादा शोर वो मचाते हैं। तो कुरान करीम में इसका जिक्र कहाँ आया है? तो कुरान करीम में ना एक हमारे एक बड़ी प्यारी सूरत है, सूरा अल इराफ। सूरा अल इराफ में मेंढकों का जिक्र आया है, ये और वो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में। वो बड़ी ही सरकश, और वो कोई ये समझें कि ना डरने वाली अल्लाह से, और उसके उस कौम के लिए, हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मौजज़े भी दिखाए, और अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी निशानियां भी उनके लिए भेजी जिनसे वो अल्लाह ताला ने कहा कि ये सबक सीख लें, लेकिन उनको सबक आता ही नहीं था। वो सूरह एराफ में वो सरकश कौम के लिए जो आयत जिस सूरह आल इराफ में जिक्र है, उस आयत का मैं आपको तर्जमा बताता हूँ, और इसी तर्जमे के साथ ही इस कहानी का इख्तिताम करते हैं।
उसमें एक सूरह आले इराफ में है आखिरकार, कुरान करीम का उसका तर्जमा, आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टड्डी दल छोड़े, टड्डी दल होते लोकस्ट, और सुरसरियां फैला दी, मेंढक निकाले फ्रॉग्स, और खून बरसाया। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाई, मगर वो सरकशी किए चले गए, और वो बड़े ही मुजरम लोग थे। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहब ज़्यादा को इजाज़त दें। ये कुरानिक फेबल्स या कुरान में जिन जानवरों की का जिक्र हुआ है उसके बारे में, और अगली इंशाल्लाह ताला एक ऐसे जानवर के बारे में बताऊंगा जिसका जिक्र कुरान करीम में है, और वो है एलिफेंट यानी हाथी, अरबी में कहते हैं फील। तो दुआओं में याद रखें फीमान अल्लाह।